हेलो दोस्तों, टेक इन वॉइस चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोको की तरफ से ही आने वाले दो 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बहुत ही दमदार फीचर एंड स्पेसिफिकेशन से लेस है। जिसमें से पहला स्मार्टफोन है जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च किया गया है, पोको M6 Pro 5G, जिसका कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं लास्ट ईयर रिलीज हुए पोको M4 Pro 5G से। तो अंत तक बनी रही मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड ऑल डिटेल्स अलॉन्ग विद माई फाइनल वेडिक्ट। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबाना मत भूलिए। पोको M6 Pro 5G वर्सेस पोको M4 Pro 5G। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। पोको M6 Pro 5G का थिकनेस है 8.17 mm, वेट है 199 ग्राम और इसमें हमें साइड में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर की दी गई है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G का थिकनेस है 8.75 mm, वेट है 195 ग्राम और इसमें भी हमें साइड में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर की दी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो पोको M6 Pro 5G थोड़ा सा थिकनेस में कम है, लेकिन वेट के हिसाब से देखा जाए तो पोको M4 Pro 5G ज्यादा बढ़िया है। पोको M6 Pro 5G 2 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल है, फॉरेस्ट ग्रीन एंड पावर ब्लैक। वहीं पे पोको M4 Pro 5G 3 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से पहला कलर है पोको येलो, कूल ब्लू एंड पावर ब्लैक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं डिस्प्ले डिटेल्स। पोको M6 Pro 5G का डिस्प्ले साइज है 6.79 इंचेस, रिजोल्यूशन है FHD+IPS पंच होल डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले ब्राइटनेस है 550 nits। इसके साथ हमें IP53 का सर्टिफिकेट मिलता है और इसका रिफ्रेश रेट है 90Hz। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G का डिस्प्ले साइज है 6.6 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD+ पंच होल डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले ब्राइटनेस है 450 nits और रिफ्रेश रेट है 90Hz। तो डिस्प्ले डिटेल्स के हिसाब से देखा जाए तो पोको M6 Pro 5G का डिस्प्ले डिटेल्स ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पोको M4 Pro 5G। नाउ बैटरी डिटेल्स। पोको M6 Pro 5G में हमें 5000 mAh की बिग बैटरी प्रोवाइड की गई है अलोंग विद 18W फास्ट चार्जर। वहीं पे पोको M4 Pro 5G में भी हमें 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसमें हमें दिया गया है 33W का प्रो फास्ट चार्जर। तो बैटरी डिटेल्स के हिसाब से देखा जाए तो पोको M4 Pro 5G थोड़ा सा आगे है एज कम्पेयर टू पोको M6 Pro 5G। बॉडी डिटेल्स की बात करें तो पोको M6 Pro 5G में हमें ग्लास बॉडी प्रोवाइड की गई है अलोंग विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G में हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है अलोंग विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें भी हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ग्लास बॉडी इज अ प्लस पॉइंट फॉर पोको M6 Pro 5G। आगे बढ़ते और देखते हैं हार्ट ऑफ द मोबाइल हार्डवेयर डिटेल्स। पोको M6 Pro 5G में हमें 2.2 GHz 4nm ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 5G प्रोसेसर दिया गया है, जिसका अंततः स्कोर है 4.3 लाख प्लस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अंततः स्कोर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। वहीं पे पोको M4 Pro 5G में हमें 2.4 GHz 6nm ऑक्टा कोर CPU अलोंग विद MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर दिया गया है, जिसका अंततः स्कोर है 3.5 लाख प्लस। तो यहाँ पे बात साफ साफ है कि हार्डवेयर डिटेल्स के हिसाब से देखा जाए तो पोको M6 Pro 5G थोड़ा सा आगे है एज कम्पेयर टू पोको M4 Pro 5G। सॉफ्टवेयर डिटेल्स में देखें तो पोको M6 Pro 5G में हमें एंड्रॉइड 13 प्रोवाइड किया गया है अलोंग विद MIUI 14। वहीं पे पोको M4 Pro 5G में हमें एंड्रॉइड 11 प्रोवाइड किया गया अलोंग विद MIUI 12.5। तो यहाँ पे भी पोको M6 Pro 5G थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बात करें सिम एंड कनेक्टिविटी की तो पोको M6 Pro 5G में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है अलोंग विद USB टाइप सी, UFS 2.2, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई हॉट्स 3.5 mm ऑडियो जैक एंड लाउड स्पीकर्स। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G में भी हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट ही दिया गया अलोंग विद USB टाइप सी, UFS 2.2, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, वाईफाई हॉटस्पॉट 3.5 mm ऑडियो जैक एंड ड्यूल लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के सिम एंड कनेक्टिविटी डिटेल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ अदर डिटेल्स। पोको M6 Pro और पोको M4 Pro ये दोनों ही 5G स्मार्टफोन है और दोनों ही मोबाइल से सेंसर की बात करें तो दोनों में हमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर सेम ही दिए गए, जैसे कि फेस अनलॉक है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप एंड आयर ब्लास्टर। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैमरा डिटेल्स। पोको M6 Pro 5G में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 50 MP का 2 MP डेप्थ लेंस एंड फ्रंट में हमें 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G में भी हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप ही दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 50 MP का 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस एंड फ्रंट में हमें 16 MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा डिटेल्स के हिसाब से देखा जाए तो पोको M4 Pro 5G ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पोको M6 Pro 5G। ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब देखते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के कॉमन फीचर्स क्या क्या है। 5G FHD+ डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50 MP प्राइमरी कैमरा, 5000 mAh बैटरी, UFS 2.2, USB टाइप सी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई हॉटस्पॉट, पंच होल डिस्प्ले, 3.5 mm ऑडियो, हाइब्रिड सिम स्लॉट, USB टाइप सी एंड साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। ये तो थे दोनों स्मार्टफोन्स के कॉमन फीचर्स। अब देखते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइसेस। तो प्राइसोमीटर फटाफट से हमें दोनों स्मार्टफोन्स के स्टार्टिंग प्राइसेस बता दीजिए। ये देखिए दोनों स्मार्टफोन्स के स्टार्टिंग प्राइसेस अब हमारे स्क्रीन पे है। पोको M6 Pro 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 9999, जिसका रैम वर्जन है 4GB 64GB, इसका सेकंड वर्जन जो कि आता है 6GB 128GB का, जिसका प्राइस है 11999। ऑन दी अदर हैंड पोको M4 Pro 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 14990, जिसका रैम वर्जन है 4GB 64GB और इसके सेकंड रैम वर्जन का प्राइस है 16999, जिसका रैम वर्जन है 6GB 128GB। इसमें
हमें थर्ड रैम वर्जन भी मिल जाता है जो कि है 8GB 128GB का, जिसका प्राइस है 18,999। तो प्राइस के हिसाब से पोको M6 Pro 5G बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू पोको M4 Pro 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइजेस ऑफर वाले प्राइजेस है, तो इन दोनों के रिसेंट प्राइजेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, मतलब दोनों ही स्मार्टफोन के डिफरेंसेस। पोको M6 Pro 5G में हमें स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर, 4nm CPU, 6.79 इंचेस डिस्प्ले, एंड्रॉइड 13 और ग्लास बॉडी, ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पोको M4 Pro 5G। और पोको M4 Pro 5G में हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 16 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ CPU एंड 33 वॉट प्रो फास्ट चार्जर, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पोको M6 Pro 5G। नाउ फाइनल वेडिंग, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में बहुत ही बढ़िया दमदार फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और इनके कैमरा डिटेल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि हमने देखा पोको M6 Pro 5G में हमें अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन कैमरा के हिसाब से देखा जाए पोको M4 Pro 5G ज्यादा बेहतर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे हैं और दोनों ही पोको की तरफ से आते हैं। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का मेन डिफरेंस है प्राइस, क्योंकि पोको M6 Pro 5G अप्रॉक्स हमें 10,000 रुपीज के प्राइस में मिल जाता है, वहीं पे पोको M4 Pro 5G में हमें ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इन एनऑल देखा जाए तो यहाँ पे पोको M6 Pro 5G ही श्योर शॉट विनर है। आपको क्या लगता है इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है और क्यों है, मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग, रिव्यू या फिर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, टेक इन्फ्यूजन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।